नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है आसनसोल पश्चिम बंगाल से गोरखपुर उत्तर प्रदेश तक चलने वाली आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में एक दिन चलती है, हर शुक्रवार को चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस के बारे में। इसका ट्रेन नंबर है 13507। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसे ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। ये जो ट्रेन है आसनसोल से गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश तक हफ्ते में एक दिन चलती है। आसनसोल से हर शुक्रवार को शाम को 4:15 पे 2 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और सुबह 5:50 पे ये ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन में पहुंचती है। 13:35 पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं, 643 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 47 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है इसमें 3rd AC स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। ICF के नॉर्मल कोचेज जो है लगे हुए हैं। आगे हम बात करेंगे आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो आसनसोल से गोरखपुर तक का कोचेज वाइज किराया बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर लें, वहां से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस में जो है 3rd AC का कोच है। 3rd AC का जो किराया है बेस फेयर है वो है, टोटल किराया वैसे इसका 955 रुपये बनता है, जिसमें बेस फेयर है 870 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज है 40 रुपये और GST चार्ज जो है वो 45 रुपये है। इसमें 3rd AC के तकरीबन 2 कोचेस हैं और इसमें जो सिर्फ AC कोचेस में GST चार्ज जोड़ा जाता है। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है, टोटल किराया 350 रुपये है, जिसमें 330 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है और टोटल फेयर इसका 350 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में तत्काल टिकट भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई GST चार्ज नहीं शामिल होता। इसके तकरीबन 8 कोचेज जो हैं स्लीपर क्लास के हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अंडर रिजर्व डिब्बों के तकरीबन 6 कोचेज हैं, जिसका आसनसोल से गोरखपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 185 रुपये। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। तो ये तो हुई आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस के कोचेस की बात। आगे हम बात करेंगे आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे कि आसनसोल जंक्शन पश्चिम बंगाल से गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं और उन स्टेशन पर इसका कितना स्टॉप है। आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस जो है आसनसोल जंक्शन से हर शुक्रवार को शाम को 4:15 पे 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है आसनसोल जंक्शन से और इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं। 13:35 बाद ये ट्रेन जो है आसनसोल जंक्शन में पहुंचती है और 643 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन चितरंजन स्टेशन में पहुंचती है। चितरंजन में ट्रेन जो है शाम के 4:38 पे पहुंचती है और 4:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 25 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। चितरंजन स्टेशन का स्टेशन कोड है CRJ। इसके बाद झारखंड में एंटर करती है। झारखंड के पहले स्टेशन मधुपुर जंक्शन झारखंड में ये ट्रेन जो है शाम के 5:19 पे पहुंचती है और 5:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहां पर आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 82 किलोमीटर की यात्रा जो है ये आसनसोल से मधुपुर जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है झारखंड के आखिरी स्टेशन जासीडी जंक्शन में पहुंचती है शाम के 5:46 पे और 5:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 110 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो झाझा बिहार में पहुंचती है। झाझा बिहार जो है इसका पहला स्टेशन है। यहां पर ट्रेन जो है शाम के 6:55 पे पहुंचती है और 7 बजे शाम को वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 154 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है किउल जंक्शन बिहार में शाम के 7:35 पे पहुंचती है और 7:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 208 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। यहां पर ये ट्रेन जो है दानापुर बागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन बिहार में पहुंचती है। बरौनी जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है रात के 9:15 पे पहुंचती है और 9:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 250 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो बिहार के समस्तीपुर जंक्शन में पहुंचती है।
रात के 10:25 पे और 10:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी जो है ये आसनसोल से समस्तीपुर जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन में पहुंचती है रात के 11:20 पे और 11:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और आसनसोल जंक्शन से मुजफ्फरपुर तक की जो दूरी है 350 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। मुजफ्फरपुर जंक्शन जो है इस ट्रेन का 9वां स्टेशन है और मुजफ्फरपुर जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है MFP। इसके बाद आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो हाजीपुर जंक्शन बिहार में रात के 12:20 पे पहुंचती है और 12:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 404 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हाजीपुर जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है HJP। इसके बाद ये ट्रेन जो है बिहार के छपरा जंक्शन में पहुंचती है। छपरा जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 2 बजे पहुंचती है और 2:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 462 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। छपरा जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है CPR और ये इस ट्रेन का 12वां स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सिवान जंक्शन में पहुंचती है। सिवान जंक्शन बिहार का आखिरी स्टेशन है इस ट्रेन का। यहाँ पर आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस जो है रात के 2:55 पे पहुंचती है और 3 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 523 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के पहले स्टेशन भटनी जंक्शन में रात के 3:45 पे पहुंचती है और 3:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। यहां पर इसे बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है क्रॉस करती है। यहां पर ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और आसनसोल से भटनी जंक्शन तक की जो दूरी है 572 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन देवरिया सदर उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। देवरिया सदर उत्तर प्रदेश का स्टेशन कोड है DEOS और यहाँ पर ये ट्रेन जो है सुबह 4:09 पे पहुंचती है और 4:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 492 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और देवरिया सदर का जो स्टेशन कोड है वो है DEOS। इसके बाद ये ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है सुबह 5:50 पे और अपनी यात्रा जो है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। आसनसोल से गोरखपुर तक की जो दूरी है 643 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ आसनसोल गोरखपुर एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोज़ को भी जरूर देखते रहें और लाइक और शेयर जरूर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो ये वीडियो जो है बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहेगी, तो लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।